हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ वरिता विश्राम मेला, जिसे बेस्ट और बड़ा मेला है। तो मैं वहाँ से आपको सब दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। इट इज़ सच अ नाइस फेयर कि आपने कहीं पे ऐसा फेयर नहीं देखा होगा। सो लेट्स गो। आखिर में हम फाइनली पहुँच गए हैं वरिता विश्राम फेयर में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, है ना। हमारी सिटी का सबसे बेस्ट एंड बिगेस्ट फेयर है ये, और वैकेशन में सब बच्चे के साथ आते हैं यहाँ पे और एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे गेट के बाहर भी काफ़ी फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। एंट्री टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। क्या गणेशा, अरे वाह, इस पर है ना एंट्रेंस पे गणेशा बिठाए। हाउ नाइस, गणपति बप्पा मोरिया। चूड़ी कलेक्शन, इयररिंग्स, वैरायटी ऑफ शूज, 250 रुपीज। ये जूस सेंटर है, फ्रेश जूस। टी शर्ट्स पे आप प्रिंट करवा सकते हो, मग्स पे, पिलो। माय गॉड, इतना ट्रैफिक है, इतना रश है कि अगर आप आ रहे हो ना, सच्ची मैं स्वेयर, सैटरडे संडे को छोड़ के आप वीक डेज में आना, सैटरडे संडे को मत आना। एनीवे बहुत अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। इस मेले से मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि आफ्टर 2 ईयर्स या कोविड के बाद ये मेला लगा है तो शायद कुछ यूनिक चीज़ें मिलेगी या कुछ एंटिक होगा, बट एज यूजुअल सेम वैसा ही मेला था जैसे सब मेले होते हैं। कुछ ऐसा कुछ नया नहीं था, सिर्फ एक दो राइड्स उन्होंने नई डाली है बस, और बाकी कुछ इतना मुझे कोई स्पेशल नहीं लगा। एनीवेज अगर आप आएंगे, आप देखिए, अगर आप इंजॉय करते हैं इट्स ओके, बट मुझे सब नॉर्मल और थोड़ी सेम टू सेम वही। के बाद आप पान एंजॉय कर सकते हैं, ठंडा पान, ठंडा वाला पान है क्या ये।
इतना रश था कि मैं ठीक से व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी, मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और जैसे कि वरना मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मैं पर्टिकुलर एक एक शॉप आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ मिलता है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। तो एट लास्ट ये व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपके पास 3 आवर्स का टाइम है तो 3 आवर्स का टाइम लेके आना, क्योंकि पूरा मेला घूमते घूमते आपको आराम से 3 आवर्स तो हो ही जाएंगे। सो अच्छा था। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय। सो एट लास्ट हम घर आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई कि मैंने वहाँ से ये ख़रीदा नेकलेस। सिर्फ ये एक चीज़ थी जो एंटिक थी, जो मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं ये लेटेस्ट ट्रेंड का है, लेटेस्ट फैशन का है या आउट फैशन का है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया ये पहनने के लिए। इट्स रियली नाइस, गुड। बस और तो कुछ भी मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। वही सब लोकल चीज़ें जो मिलती है वो इतनी महंगी थी, डबल कॉस्ट था सब में। तो ये मुझे कुछ थोड़ा अलग लगा तो मैंने ले लिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताया।